नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आज का आपका लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है। बाल ब्रह्मचारी, सहना स्टूडेंट, सुमन, कृष्णा, अनीता, राजीव स्टूडेंट, सभी साथियों का एसएलसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, एक बार साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक साथियों एक बार क्लास को पहुंचा दीजिए, है ना। अगर अपन बात की, गुड इवनिंग सभी को, सभी साथियों को नमस्कार भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार साथ में जल्दी से क्लास को क्या कीजिए भाई, लाइक और शेयर भी कीजिए भाई। देखो भाई, अगर साथी अपन बात करें आज के इस लाइव सेशन में, अगर अपन बात करें, सर आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है ना भाई, मिस करते हो तो पूरे दिन भर लाइव क्लासेस पढ़ी है, रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ी है यूट्यूब पर, वो देखते रहा करूँ। ठीक है, अगर अपन बात करें, और शाम को 8:30 बजे आपको यहाँ पर डेली मिलते हैं। इसके अलावा साथियों, आपके लिए यूट्यूब पर जो है कंप्यूटर की डेली क्लास हो रही है, और जिसका सपना है यूजीसी नेट की अगर अपन बात करें, तो यूजीसी नेट में भी साथियों आपके लिए क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर रखी है। कंप्यूटर वाले सर ने बहुत तहलका मचा रखा है, बिल्कुल साथियों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कंप्यूटर वाले सर। ठीक है, जो आपका सपना है वो सपने को साथियों पूरा करके रहेंगे कंप्यूटर वाले सर, जो कि आप टेंशन ना लो, आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेंगे। कंप्यूटर का एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे कंप्यूटर वाले सर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अपन बात करें, देखो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की अगर साथियों अपन बात करें, स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट कर रखी है। इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले साथियों अपन कुछ कोर्सेज की अपन बात कर लेते हैं। आपका जो है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की अगर अपन बात करें, जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर साथियों की फीस है 2 करोड़ 99 लाख आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है नहीं। इसके अलावा साथियों इसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, टोटल स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाला है। और जिन साथियों को बुक का जो इंतजार था भैया, बुक का इंतजार भी 2 महीने हो गए, खत्म हो गए भैया। ठीक है, और जिन साथियों को बुक ऑर्डर करनी है, तो साथियों बुक क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। क्लास नोट्स रहेगा, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस बुक को साथियों अगर अपन बात करें, इस पुस्तक को आपने जो है ना बहुत सारा प्यार दिखाया है ना, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी ना, उस उम्मीद से बहुत ऊपर जाकर इस बुक को आपने साथियों क्या किया है, मतलब ऑर्डर किया है आपने साथियों, जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स थे उन सभी तक पहुंचाया है। और इसका तहे दिल से जो है ना, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक आपका साथियों आभार प्रकट करता हूँ भाई। ठीक है सर, नेट जून की तैयारी कब से होगी? नेट जून की इजी डे यूट्यूब पर तो हमने स्टार्ट कर दी है, सीधी सी बात है। आपके पेपर फर्स्ट की तो कंप्यूटर जो है आपके महेश सर डेली लेकर आ रहे हैं। अगर अपन बात करें दूसरा, कंप्यूटर वाले सर है ना यूजीसी नेट की आपके लिए एक और क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वो भी तहलका मचाएंगी, है ना। अगर अपन बात करें तो वो भी तहलका मचाने वाले हैं, टेंशन ना लो। इसके अलावा यूजीसी नेट की जो है, जैसे ही साथियों एक आध दिन में जो है, मैं हर बार वादा करके जाता हूँ लेकिन टाइम नहीं है, इस वजह से जो है ना यूजीसी नेट की क्लासेस यूट्यूब पर नहीं लेकर आ पाया हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ सर, बिल्कुल तहलका, बिल्कुल तहलका सर रख देंगे भाई नाम उनका, है ना, नाम ही तहलका सर रख देंगे, टेंशन ना लो। इसके अलावा साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूडीसी की देखरेख कौन करता है? देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए साथियों क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस के लेवल पर भी अपन क्या करेंगे साथियों, बढ़ेंगे अगर अपन बात करें। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। कंप्यूटर क्लास कितने बजे होती है? 4 बजे होती है। आपस में भी भैया सवाल जवाब दे दिया करो, कई बार जो है ना क्वेश्चन मेरे से मिस हो जाए तो आप क्या कर दिया करो, जवाब दे दिया करो भैया, अपने ही साथी है, अपना ही एसएलसी परिवार है, और एसएलसी परिवार तक भैया अपने ही शेयर क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें, ठीक है भाई, देखो प्रारंभ करते हैं साथियों यूडीसी की अगर अपन बात करें, आप आंसर दीजिए, अपन प्रारंभ करते हैं इसकी चर्चा अपन करते हैं। यूडीसी साथियों, जिसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं, यूडीसी साथियों जिसे अपन क्या बोलेंगे साथियों, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन साथियों अपन कह सकते हैं इसे। ये साथियों अगर अपन बात करें किस प्रकार की वर्गीकरण प्रजाति है, ये भी आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, सेट का पेपर का PDF भेज दो भैया, है ना। गुड इवनिंग सर, बी ऑप्शन आ रहा है मनीषा कुमारी का, कृष्णा, है ना। तो बिल्कुल साथियों, यूडीसी के देखरेख जो वर्तमान में करता है वो कौन करता है? यूडीसी कंसोर्टियम करता है ना।
यूडीसी की देखरेख कौन करेगा? यूडीसी कंसोर्टियम करता है। इस चीज का आपको साथियों ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यूडीसी साथियों एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। अगर अपन बात करें इसको साथियों पहली बार जो है आपके 1905 में आपकी तैयार किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। पब्लिश की अगर अपन बात करें दोस्तों इसको दो संस्थाओं ने किया है, एक तो साथियों पॉल आउटलेट के द्वारा, दूसरा साथियों अगर अपन बात करें हेनरी ला फाउंटेन। इन दो व्यक्तियों के द्वारा साथियों क्या किया गया आपके यूडीसी को तैयार किया जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है नी? यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की साथियों अगर अपन बात करते हैं तो इसको जो तैयार किया गया दो संस्थाओं के द्वारा तैयार किया गया, एक तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लायंट जो है सॉरी पॉल आउटलेट के द्वारा, एक साथियों हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा साथियों इसको तैयार किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे संस्था का नाम पूछे तो संस्था का नाम साथियों आप ध्यान रखना फीड। ठीक है, जिसकी स्थापना 1895 में 1895 साथियों क्या होती है इसकी स्थापना आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहां तक आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। दूसरे साथियों यूडीसी ध्यान रखना पक्षात्मक पद्धति है। यूडीसी किस प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है? ये फैसिलिटी क्लासेस स्कीम है, ये अपन कह सकते हैं पक्षात्मक आपको साथियों जो है वर्गीकरण पद्धति आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आंसर लगभग का सही आ रहा है। सर बुक में थ्योरी है क्या? अनिता सैनी बोल रही है बिल्कुल साथियों बुक में जो है ना आपके क्लास नोट से थ्योरिटिकल बुक है, कोई किसी प्रकार के दोनों बुक की अगर अपन बात करिए ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है। ये दोनों बुक की साथियों अगर अपन बात करें आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको जो है थ्योरिटिकल मिलेगी, क्लास नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, हस्तलिखित है। मतलब आपको साथियों जो है ना अब सीधी सीधी बात है पढ़ना है लाइव क्लास के माध्यम से, साथ के साथ में जो है बुक के माध्यम से नोट्स है उनको रिवाइज उनको लाइन टू लाइन मिलाना है या उनको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, बाद में आपको टाइम टू टाइम रिविजन करना है। मतलब बहुत समय की बहुत आपके साथियों जो समय जो लगता है नोट्स बनाने में अगर अपन बात करें तो उस समय का जो है ना बहुत सदुपयोग कर सकते हो आप रिवीजन करके साथियों या किसी अन्य कंसेप्ट या अन्य साथियों किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो अगर अपन बात करें। ठीक है, अगर अपन बात करें सर मुझे अभी तक बुक नहीं मिली, राजीव रंजन अगर आपने ऑर्डर किया है तो बुक आप तक पहुंच जाएगी भाई, अगर एक दो दिन में किया है तो भैया बुक वाला पहुंच आएगा। सर इसमें नोटेशन प्रयोग किया है अगर अपन बात करें, देखो इसमें साथियों नोटेशन का प्रयोग किया है और यूडीसी में जो नोटेशन आपसे पूछा जाए ना आप बोलो भाई किस प्रकार का, तो इसमें साथियों जो नोटेशन है वो मिक्स नोटेशन का प्रयोग होता है ना। इसमें किस प्रकार के नोटेशन का? मिक्स नोटेशन का, जिसे साथियों अपन कहते हैं मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। तो मिश्रित अंकन का जो प्रयोग किया गया है वो किसमें किया गया साथियों? यूडीसी में किया गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, हाजिर है और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भैया, है ना, बिल्कुल शानदार बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जल्दी से साथियों कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार होती हैं? बताओ भाई जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। ठीक है, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की साथियों अगर अपन बात करते हैं अपन कह सकते हैं वर्गीकरण की प्रजातियां अपन कह सकते हैं या अपन वर्गीकरण के प्रकार अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्गीकरण पद्धतियां होती है, वर्गीकरण की पद्धतियां या क्लासिफिकेशन स्कीम्स की अगर अपन बात करें ये साथियों आपको दो प्रकार की आपको देखने के लिए मिलती है। नंबर वन साथियों अगर अपन बात करें आपकी परिगणनात्मक, जिसे अपन एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा साथियों अगर अपन बात करते हैं आपको जो है पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति हो जाती है अगर अपन बात करें, जिसे अपन कहते हैं फैसिलिटेटेड क्लासेस स्कीम कह सकते हैं। देखो अगर स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें नंबर वन आपको देखने के लिए मिलती है एन्यूमरेटिव, एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम को अपन कहते हैं परिगणनात्मक। नंबर दो साथियों आपको देखने के लिए मिल जाती है वह उसे अपन कहते हैं साथियों अगर अपन बात करें तो जो हो जाती है फैसिलिटेटेड क्लासेस स्कीम। ठीक है, फैसिलिटेटेड को अपन कहते हैं साथियों पक्षात्मक कहते हैं, इसे अपन दोस्तों क्या बोलेंगे? पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति पर कहते हैं। इस चीज का आपको साथियों इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है नहीं? आपके पक्षात्मक एन्यूमरेटिव को अपन कहते हैं इसको साथियों परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो आपके साथियों जो है आपको दो प्रकार की आपको देखने के लिए मिल जाती है। राइट आंसर जो करेक्ट होगा वह साथियों आपके कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है ना।
करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखो स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें, मैंने दो बात की, एक तो एन्यूमरेटिव और एक फैसिलिटेटिव। एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना है इसमें प्योर नोटेशन का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? प्योर नोटेशन का, साथियों इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग होता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा साथियों अगर अपन बात करते हैं जो फैसिलिटेट होती है इसकी अगर साथियों अपन बात करें, इसमें साथियों जो अंकन जो प्रयोग होता है मिक्स नोटेशन होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अपन बात करें याद रहेगा आपको आपके जो परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति होती है इसमें साथियों आपके शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है, जो पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति होती है इसमें साथियों मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। अगर अपन बात करते हैं एन्यूमरेटिव की अगर अपन बात करें, इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में आपको जोड़ने का साथियों या घटाव करने का कोई भी किसी प्रकार का गुण नहीं होता, मतलब आपको बने बनाए अंकन मिलते हैं आपको परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में, आपको कोई भी किसी प्रकार का क्लास नंबर बनाना नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें कोलन क्लासिफिकेशन की, तो कोलन क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें अंकन जो है ना जोड़ना बनता है, या अपन क्लास नंबर साथियों अपन क्या करते हैं इसमें बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अंकन को मिलाकर, नोटेशन को मिलाकर। लेकिन डीडीसी की अगर अपन बात करें, जिसे अपन कहते हैं डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की, तो डीडीसी में साथियों अपन अंकन वो क्या करते हैं भैया, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का अपन को जोड़ने का गुण नहीं होता है, वहां पर साथियों आपके अंकन बने बनाए होते हैं। ठीक है, जो टेबल्स दी गई है वो भी सहायक सारणियां हैं, मेन क्लास के साथ मुख्य वर्गों के साथ उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का आपको मुख्य वर्गों को जोड़ने का गुण नहीं निहित होता है अगर अपन बात करें एन्यूमरेटिव, जबकि पक्षात्मक में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपके यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, अगला आपके सामने प्रश्न हाजिर है, लेमिनेशन विषय निर्माण विधि किस विद्वान के द्वारा दी गई है, जल्दी से एक बार साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए। लेमिनेशन विषय निर्माण विधि है ना, चंद्रमुखी सर आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला साथियों आपके सामने क्वेश्चन क्या हो चुका है भैया, हाजिर आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है, आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन साथी यहां पर सही आंसर है ना। दीजिए भाई आंसर दीजिए, है ना सर, रंगनाथन हो जाएगा, रंगनाथन आंसर आ रहा है, मनीषा चंद्रमुखी बिल्कुल साथियों, फेजा मलिक बी। देखो अगर अपन बात करते हैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, विषय निर्माण विधियों की अगर अपन बात करते हैं, ये दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी जाती है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखो लेमिनेशन की अगर साथियों अपन बात करते हैं, ठीक है, ये विषय निर्माण विधि जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी जाती है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अगर अपन बात करें, इन्होंने पहली बार जो विषय निर्माण विधियां दी है जिसे अपन साथियों कहते हैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, 1950 में दी, और 1950 में अगर अपन बात करते हैं साथियों इन्होंने चार विषय निर्माण विधियां दी है। इसके बाद साथियों अगर अपन बात करें 1960 की अगर अपन बात करते हैं तो 1960 में भी इन्होंने क्या दी है, दो विषय निर्माण विधियां और दी है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने जीवन काल में साथियों अगर अपन बात करें कितने विषय निर्माण विधियां देते हैं, चार, ठीक है, और 1960 में उन्होंने क्या दी, दो विषय निर्माण विधियां यहां पर और दी है। तो लेमिनेशन जो है ना साथियों, ये लेमिनेशन जो विषय निर्माण विधि हो जाती है यह आपके अगर साथियों अपन बात करते हैं 1960 में दी जाती है, लेमिनेशन हो जाती है। नंबर दो साथियों आपको पता है भैया लूज असेंबलेंस, तो लूज असेंबलेंस की अगर अपन बात करें ये भी साथियों डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। इसके बाद में साथियों डिसेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर अपन बात करें, ठीक है, और एक साथियों चौथे नंबर पर क्या मिलता है, डेनुडेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चार विषय निर्माण विधियों की अगर अपन बात करें, ये चार विषय निर्माण विधियां जो दी जाती है ये किसके द्वारा दी जाती है साथियों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों 1960 की अगर अपन बात करें, 1960 में इन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, इसमें
दो विषय निर्माण विधियां और की वह साथियों आपको देखने के लिए मिल जाती है। नंबर वन साथियों को फ्यूजन देखने के लिए मिलती है और नंबर दो के साथियों अगर अपन बात करें वह आपको देखने को मिल जाती है डिस्टिलेशन आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार साथियों ने क्या दी थी, दो विषय निर्माण विधियां यहाँ पर और देते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, दो विषय निर्माण विधियां, तो यहाँ पर अपने पास जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों को ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है भैया। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो भैया क्लास को क्या कीजिए, लाइक शेयर, जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करें उन सभी तक भैया क्लास का नोटिफिकेशन, इनविटेशन, आमंत्रण लिंक भेज दीजिए भैया, है ना, अगर अपन बात करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने हाजिर है, विशेषता संबंधी उपसूत्र कैनन ऑफ करेक्टर्स है, बताइए भैया। विशेषता संबंधित उपसूत्र आपको देखने के लिए मिल जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए अगर अपन बात करें, देखते हैं कौन कौन साथी यहाँ पर आंसर सही दे पाता है। ठीक है, आंसर भैया मनीषा शर्मा का आंसर आ रहा है, डी आंसर सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल साथियों इसमें जो आंसर जो होगा ना वो कौन सा हो जाता है साथियों, वह आपको देखने को मिल जाता है, डी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर डी होगा उन सभी साथियों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखो कैनन्स की अगर अपन बात करते हैं, कैनन्स मतलब साथियों उपसूत्र अगर अपन बात करें, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अगर अपन बात करें, इन्होंने साथियों आपकी लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन अगर अपन बात करें, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं, इन्होंने उपसूत्र दिए हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ कैनन्स के उपसूत्रों की अगर साथियों अपन बात करते हैं ये तीन बार देते हैं। ठीक है, पहली बार साथियों 28 उपसूत्र, दूसरी बार साथियों उन्होंने 35 उपसूत्र दिए, और तीसरी बार साथियों उन्होंने 43 उपसूत्र यहाँ पर देते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, नहीं याद जाएगा तो डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने जो उपसूत्र दिए हैं वो कितने दिए हैं आपके, 28, 35 और 43 उपसूत्र ये देते हैं। ठीक है, ये किस पुस्तक में दिए हैं साथियों अगर अपन बात करें, यह आपकी प्रो लेगमेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक हो जाती है। इस पुस्तक में साथियों क्या करते हैं भैया, उपसूत्रों का विवरण आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें, अब देखो भैया उपरोक्त सभी की अगर अपन बात करें, ये विशेषता जो है ना कौन से उपसूत्र की है ये आपको बताना है। ये विशेषता की अगर अपन बात करें कौन से उपसूत्र की आपको देखने को मिल जाती है, जल्दी से साथियों आपको क्या करना है, आंसर बताना है भाई, जल्दी से बताइए। 28, 35 बिल्कुल सभी साथियों का आंसर सही आ रहा है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं अपन सिलेबस में जो अपन पढ़ते हैं वो साथियों आपके 43 उपसूत्र पढ़ते हैं। इन 43 उपसूत्र की अगर अपन बात करें, कैनन्स की अगर अपन बात करें, इनको साथियों अपने चार पार्ट में साथियों अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड अपन ने किया है ना, कितने पार्ट में डिवाइड किया साथियों अपने, चार पार्ट में इसको अपने डिवाइड किया है। देखो पहला साथियों अगर अपन बात करें आइडिया प्लान आपको देखने को मिलता है, कैनन्स फॉर आइडिया प्लान अगर अपन बात करें, ठीक है, पहला कौन सा आपको देखने को मिलता है, कैनन्स फॉर आइडिया प्लान, है ना, अगर अपन बात करें। दूसरा साथियों अगर अपन बात करें आपको देखने को मिल जाता है वर्बल प्लान आपको देखने को मिल जाता है, अगर अपन बात करें कैनन्स फॉर वर्बल प्लान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, वर्बल प्लेन आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में साथियों आपको कैनन्स फॉर साथियों नोटेशनल आपको देखने को मिल जाता है, और इस बाद में साथियों आपको देखने को मिल जाता है चौथा साथियों कैनन्स फॉर वर्क या बुक वर्क आपको कैनन्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार साथियों अगर अपन बात करें इन्होंने जो 43 उपसूत्र हो जाते हैं 43 उपसूत्रों को साथियों कितने भाग बांटा है, इन्होंने साथियों आपके चार भागों में बांट दिया। अब चार भागों की साथियों अगर अपन बात करें, यहाँ पर 15 उपसूत्र, यहाँ पर 4 उपसूत्र, इसमें 21 उपसूत्र और इसमें 3 उपसूत्रों का क्या किया है, इन्होंने विवरण किया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यस यारो, देखो भाई अगर अपन बात करें कैनन्स की अगर अपन बात करते हैं, कैनन्स जो हो जाते हैं उपसूत्र, उपसूत्र साथियों क्या करते हैं, कहीं पर भी आपको क्लासिफिकेशन स्कीम में निर्णय लेना होता है तो निर्णय लेने की अगर अपन बात करें यहाँ पर आपके कैनन्स का उपसूत्र का अपन प्रयोग करते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने उपसूत्रों की अगर अपन बात करें
तो प्रो लेगमेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक हो जाती है। इसमें आपके तीन बार उपसूत्र दिए, पहली बार 1937 में दिए 28, दूसरी बार 1957 में आपके 35, तीसरी बार अगर अपन बात करें जो है 1967 में दिए जाते हैं 43 उपसूत्र यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसकी अगर अपन बात करें सिलेबस में यही है अपने, अगर इनकी अपन बात करें डॉक्टर एस आर अनाथ ने चार भागों में बांटा है, आपके कैनन्स फॉर आइडिया प्लान को 15, आपके साथियों कैनन्स फॉर वर्बल प्लान को चार भागों में, नोटेशनल प्लान को 21 में, और साथियों बुक फॉर वर्क को अपन क्या करते हैं आपके तीन भागों में बांटा है। तो ये जो विशेषता आपको जो देखने के लिए मिल जाती है, ये साथियों आपको देखने के लिए मिल जाती है वर्बल प्लान की, आपको देखने के लिए मिल जाती है, सॉरी आइडिया प्लान की आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये विशेषता किसकी हो जाती है साथियों, आपके आइडिया प्लान की आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है नहीं? यहां तक कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। इसके बाद अपन क्या करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहां पर कोई भी किसी प्रकार का किसी को डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है तो बताइए, है ना? अब देखो, एक चंदाराम बोला सर आप जो है वीएमओई का डीएलआईएस और बीएलआईएस का प्रैक्टिकल क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए। तो भैया वीएमओई की डीएलआईएस और बीएलआईएस प्रैक्टिकल क्लासेस है ना चंदाराम, आपको देखने के लिए मिलेगी एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस डाल रखी है आपके लिए, तो वो जाकर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो भैया, ठीक है? थोड़ा कॉपी पेस्ट ना करें भैया, है ना? अगर अपन बात करें और बताइए, इसके अलावा एक कौन बोरा बाल ब्रह्मचारी सर गुरुजी ऑफलाइन फीस क्या है? देखो ऑफलाइन फीस भी हम क्या करेंगे, अभी ऑफलाइन बेच स्टार्ट नहीं है, है ना? अभी ऑफलाइन बेच स्टार्ट नहीं कर रखा है, सीधा सीधा ऑनलाइन पर पूरा फोकस कर रखा है। आने वाले समय में ऑफलाइन बेच स्टार्ट करेंगे तो यूट्यूब पर जरूर अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले आमंत्रण आपको ही देंगे कि भैया हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, आपका बिल्कुल आमंत्रण है। तो आपको बताया जाएगा पूरा एक एक चीज, भैया क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा, टेस्ट कब कब होगा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। अगर अपन बात करें सर मैं भी तो तीन आइडिया वर्बल एंड नोटेशन, मनीषा कुमारी अगर अपन बात करें डॉक्टर एस आर रंगनाथन जब क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर इसके तीन स्तर बताते हैं, जो कि आइडिया वर्बल और नोटेशनल है ना, वो अलग अपन पढ़ते हैं, वो बिल्कुल आप सही पढ़ा है मनीषा कुमारी। लेकिन जब अपन कैनन्स की अपन बात करें तो कैनन्स को यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 43 सूत्रों को चार भागों में बांटा है, जिसमें यहाँ पर कैनन्स यहाँ पर लग जाता है, ठीक है? जब अपन वर्गीकरण का किसी वर्किंग पद्धति का निर्माण करने के लिए अपन तीन स्तर पढ़ते हैं, जो कि आपकी आइडिया वर्बल और नोटेशनल, आपने भी सही पढ़ा है, ठीक है? और ये भी अपन क्या कर रहे हैं, इसको भी अपन सही पढ़ रहे हैं अगर अपन बात करें, ठीक है? क्लियर है नहीं? देखो अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीडीसी में अंकन 400 किस विषय को दर्शाता है? एक बार साथियों जल्दी से क्या दीजिए भैया, आंसर दीजिए, तब तक अपन क्या करते हैं आपके कमेंट्स भी अपन लेते हैं, है ना? अगर अपन बात करें सर क्वेश्चन आया था, तीन ही आया था ऑप्शन में, है ना? किसमें क्या पूछ रहे हो भाई? ओके सर ठीक है ना। सर मुझे बुक बताइए बिहार लाइब्रेरी की, सुबोध कुमार बुक आ चुकी है भैया हमारे, है ना अपनी, और बुक बिल्कुल धमाल मचा रही है, आप मंगवा सकते हो एप्लीकेशन, सॉरी व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, स्क्रीन के सामने नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हो, या व्हाट्सएप पर डिटेल मिल जाएगी आपको पूरी वहां पर, है ना? ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज बिल्कुल क्या बात है। देखो कल भी साथियों अपने इस क्वेश्चन को अपने क्या किया था, डिस्कशन अपने किया था, डीडीसी में अंकन 400 किस विषय को दर्शाता है। देखो ये साथियों आपके क्लास से क्वेश्चन बनकर आ रहा है, पहली चीज तो कहां से क्वेश्चन बनकर आ रहा है, मेन क्लास, डीडीसी मेन क्लास की अगर अपन बात की 000 से लेकर साथियों आपकी 900 तक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। लैंग्वेज जो मेन क्लास है साथियों ये 400 मेन क्लास आपको देखने के लिए मिलती है, कौन सी आपके साथियों 400 मेन क्लास आपको देखने के लिए मिल जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और राइट आंसर साथियों जो हो जाता है वह आपके बी ऑप्शन साथियों क्या हो जाता है आपका, राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना भाई। दूसरा साथियों मेन क्लास की अगर अपन बात करें, देखो भैया मेन क्लास से भी आप क्या करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं, अगर आपको मेन क्लास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है तो भाई है ना डीडीसी की समरीज, लो भैया देखो डीडीसी के मेन क्लास की अगर साथियों अपन बात करें, लो भाई आपके सामने क्या हो चुकी है, डीडीसी की मेन क्लास आ चुकी है। डीडीसी के मेन क्लासेस की अगर साथियों अपन बात करें, जिसे अपन टीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं, इनको साथियों तीन समरीज में डिवाइड किया गया, कितने समरीज में डिवाइड किया गया, तीन समरीज में आपको डिवाइड आपके किया जाता है।
पहली समरी जो होती है, फर्स्ट समरी होती है, अगर अपन बात करें, जो फर्स्ट समरी आपको देखने के लिए मिलेगी साथियों, अगर अपन बात करें, इसमें साथियों आपकी 10 मेन क्लास यहाँ पर दी जाती है। अगर अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डीडीसी के मेन क्लासेस किस समरी में आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप बोलोगे सर, डीडीसी की जो मेन क्लासेज है ना, वह आपके फर्स्ट समरी में, पहली समरी में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यस यानो, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो यहां पर जो है ना, ये 10 की मेन क्लास आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 000 से लेकर 900 तक पूरी की पूरी आपको क्या होनी चाहिए, मेन क्लास आपको याद होनी चाहिए। सेकंड समरी की अगर अपन बात करें, आपको सेकंड समरी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं साथियों 100 डिविजन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं आपको, 100 डिविजन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं साथियों। अगर अपन बात, ये आपकी साथियों सेकंड समरी हो जाती है, ठीक है। इसमें साथियों 100 डिविजन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद साथियों अगर अपन बात करें थर्ड समरी की, अगर अपन बात करते हैं तो देखो, थर्ड समरी जो हो जाती है इसमें साथियों आपको जो देखने के लिए मिलते हैं 1000 सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार आप जो एग्जाम में साथियों याद करोगे, जो एग्जाम में आप याद करोगे, वो एग्जाम में याद करोगे 1000 सेक्शन आपको पूरे याद करके आपको जाना है, ठीक है। 1000 सेक्शन आपको क्या करके जाना है, पूरे के पूरे आपको याद करके जाना है। और एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट भी है भैया, ठीक है, क्लियर है नहीं। देखो भैया, अगर अपन बात करें, देखो थर्ड समरी हो जाती है, थर्ड समरी की अगर अपन बात करें, लो भैया है ना, आपको विद प्रूफ के साथ बताते हैं, फिर आप जो है ना कमेंट्स करोगे कि सर थर्ड समरी में जो 1000 सेक्शन थोड़ी है। लो भाई, ये मैंने डीडीसी का स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का जो है ना मैंने चेंजेज नहीं किया है, बिल्कुल सीधा सीधा आपके सामने इसको लगाया गया है, ठीक है भाई, है ना, ओके है सर। कंप्यूटर के सर मुझे बुक का नेम बताइए जिससे बिहार लाइब्रेरी की क्लियर हो जाए, तो सुबोध कुमार बिहार लाइब्रेरी की बुक आपको मिल जाएगी। आप मॉर्निंग में कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पर आपके जो है ना आपकी स्क्रीन के सामने नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना, आपको पूरी बुक की डिटेल मिल जाएगी। अगर अपन बात करें है ना 10 मेन क्लास, 100 डिविजन और 1000 सेक्शन, बिल्कुल आपका सही आ रहा है। ओपी लेवल सारे बच्चियों, क्या बोल रहे हो भाई, है ना, अगर अपन बात करें, ओके है। देखो भाई, यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, इसमें अपने पास क्वेश्चन जो हो जाता है, लो भैया कहाँ गया अपने पास क्वेश्चन, ये रहा इस क्वेश्चन की साथियों, अगर अपन बात करें, इस क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, ग्रंथमाला संपादक के नाम को CCC की मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में अंकित किया जाता है। वो शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो शानदार साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आंसर दीजिए। ग्रंथमाला संपादक के नाम को CC की मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है ना, हिंदी में है प्योरली अगर अपन बात करें। अब आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है ना सर। बुक का कौन सा नेम है, बुक का नाम भैया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय सूचना विज्ञान, क्लास नोट्स बाय मुकेश सर, आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। अब देखो भाई, मुद्दा की अगर अपन बात करते हैं, अपने मुद्दे पर आ जाओ, बात की जा रही है साथियों CCC की, बात किसकी की जा रही है साथियों, CCC की बात की जा रही है। CCC की अगर अपन साथियों अपन बात करते हैं, मेन एंट्री की अपन बात करते हैं, CCC में किसकी अपन बात करेंगे, मेन एंट्री की साथियों अपन बात करते हैं, मेन एंट्री की साथियों अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य प्रविष्टि की अगर अपन बात की, तो इसमें टोटल जो सेक्शंस होते हैं, टोटल साथियों इसमें 6 सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल कितने सेक्शंस मिलते हैं, 6 सेक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो 6 सेक्शन की अगर अपन बात करें, ठीक है, 6 सेक्शंस आपको कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे अगर अपन बात करें, मैं आपको लिखवा देता हूँ, एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन आपको लीडिंग सेक्शन मिलेगा अगर अपन बात करें, ठीक है, पहला सेक्शन कौन सा मिलेगा, लीडिंग। दूसरा साथियों आपको देखने के लिए मिल जाता है हेडिंग सेक्शन, आपको देखने के लिए मिल जाता है। तीसरा साथियों आपको देखने के लिए मिलता है टाइटल सेक्शन मिलता है। चौथा साथियों आपको नोट सेक्शन मिलता है। पांचवा दोस्तों अगर अपन बात करें, एक्सेशन सेक्शन आपको मिलता है। छठा साथियों अगर अपन बात करें, ट्रेसिंग सेक्शन हो जाता है। लो भैया, 6 के 6 सेक्शन आपको लिखवा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में साथियों यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्लियर है नहीं।
लीडिंग सेक्शन। अब पूछा जा रहा है ग्रंथमाला, ग्रंथमाला की अगर साथियों अपन बात करें, ग्रंथमाला किसे कहते हैं? सृज। सृज की जानकारी किस सेक्शन में दर्ज की जाती है? मैंने साथियों अभी कुछ समय पहले ही आपको जो है ना ट्रिपल सी की क्लासेस आपको पूरी करवाई थी। करवाई थी या नहीं करवाई थी भैया अगर अपन बात की? बिल्कुल सर आपने करवाई थी, ठीक है। उसमें आपको भैया नेम ऑफ सीरीज की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, नेम ऑफ सीरीज आपका अपन बात करें, सीरीज नंबर और एडिटर ऑफ सीरीज की अगर अपन बात करें, किस सेक्शन में आती है? आप बोलोगे सर नोट सेक्शन में आती है। और नोट सेक्शन को अपन क्या कहते हैं? अगर अपन बात करें ग्रंथमाला के संपादक के नाम की अगर अपन बात को किस सेक्शन में दर्ज किया जाएगा, तो वह आपके टिप्पणी अनुच्छेद में आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। तो जिन जिन का आ रहा है डी ऑप्शन उनका सही हो जाता है। ग्रंथमाला के संपादक या ग्रंथमाला संपादक अपन बात करें मतलब एडिटर, संपादक का मतलब एडिटर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया नोट सेक्शन में किस किस की जानकारी आती है? नेम ऑफ सीरीज की जानकारी आती है, नंबर दो पर एडिटर ऑफ सीरीज की जानकारी आती है, और नंबर तीन पर सीरीज नंबर की जानकारी आती है। इस प्रकार अपने पास कितने हो जाते हैं साथियों? तीन अपने पास हो जाते हैं। और यहां पर दोस्तों राइट जो आंसर होगा वह दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है नहीं? यहां तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। इसके बाद साथियों अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी को मजा आ रहा है भाई आज की क्लास में, ठीक है। अपन साथियों हर इस टेस्ट सीरीज की अगर अपन बात करना, इसमें धीरे धीरे अपन लेवल तो लेवल बढ़ेंगे, ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, राजस्थान लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन आना अभी साथियों बाकी है। अगर अपन बात करें नोटिफिकेशन आएगा, फॉरम भरा जाएगा, एग्जाम होगा, तब तक साथियों अपन जो है ना उस लेवल तक बिल्कुल हर 100 क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे अपन, और उन क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। सर अपना तो दिमाग ध्यान कर दो मुझे, क्या बोल रहे भैया, है ना। सीरीज सेक्शन का बिल्कुल बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भैया। अगर अपन बात करें सर अपना दिमाग दान कर दो भैया, हम जो है ना भैया आपके लिए तो है पूरा ज्ञान जो है साथियों बटोर कर लाते हैं, पूरा कंटेंट इकट्ठा करके और यहाँ पर बिखेर के चले जाते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग किस वर्किंग पद्धति में किया जाता है? सीधी सी बात है, देखो अध्यारोपण विधि, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस को अपन बात करें क्या बोल सकते हैं साथियों, अध्यारोपण विधि अपन कहते हैं। अध्यारोपण विधि साथियों किसे कहते हैं और किस वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग किया जाता है, आप बताइए। इसके बाद साथियों अपन क्या करते हैं, इस मैटर में अपन बात करते हैं, है ना, क्लियर है नहीं? हाँ सर मुझे बुक लेनी है, राजवीर कुमार बुक जो है आपको मॉर्निंग में कॉल करना, आपको बुक मिल जाएगी भैया, ठीक है। और भाई बताइए, क्लियर है नहीं? अब देखो सीधी सी बात है, बुक के मैटर में अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे भैया, है ना। देखो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस जिसे अपन साथियों कहते हैं, अध्यारोपण विधि कहते हैं, पहली चीज तो इसका प्रयोग साथियों कोलन क्लासिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों सही होगा वह आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। पहली चीज तो साथियों आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी अगर साथियों अपन बात करते हैं सुपर इम्पोजिशन डिवाइस की, अगर अपन बात करें किसके अपन बात करें साथियों, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस की अगर अपन बात करते हैं, तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस जो है ना जिसे अपन कहते हैं साथियों अध्यारोपण विधि अपन कहते हैं, इसका प्रयोग डबल सी में किया जाता है एक डिवाइस के रूप में। दूसरा इसका कनेक्टिंग सिंबल पूछे तो आप बोलोगे सर हाइपन हो जाता है, इसका कनेक्टिंग सिंबल क्या है भैया, हाइपन आपको देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा अगर आपको कोलन क्लासिफिकेशन में 2% जो हो जाते हैं, अगर अपन बात करें किसका 2% जो हो जाते हैं, 2% का आपको एक साथ प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, 2% का आपको साथियों एक साथ आपको प्रयोग करना होता है, तो साथियों आप किसका प्रयोग करोगे, आप अध्यारोपण विधि का प्रयोग करते हो, है ना। अगर अपन बात करें अपन कह सकते हैं आपके जो से अपन कह सकते हैं सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, या अपन साथियों अपन कह सकते हैं आपके एसडी या एसआईडी भी अपन कहते हैं इसे, इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे, एसआईडी भी अपन कहते हैं, क्लियर है नहीं? किस किस का आंसर सही आ रहा, क्या बात है भैया। सर एक्सेशन रजिस्टर में ऑथर ना दिया हो तो एडिटर का नाम लिख सकते हैं क्या, राजेश्वरी कुशवाहा बोल रहा है, बिल्कुल आप लिख सकते हो,
अगर ऑथर का नाम नहीं दिया गया है तो एडिटर का आपको 100% मिलेगा, एडिटर का नाम नहीं दिया गया तो उसके भैया टाइटल दिया होगा, फिर टाइटल के ए नामक लेखक के नाम से उसके अपन एंट्री तैयार अपन करते हैं, ठीक है, है ना। लाइब्रेरी देखो अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। IASL किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या किस पुस्तक किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। देखो पहली चीज तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि भैया मैं जो क्वेश्चन जो है ना कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस भी मैं शामिल करूंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन क्वेश्चन पर भैया संदेह नहीं करना है, ठीक है, उन क्वेश्चन को लिखना है या अपना पूरा टॉपिक क्लियर करके आओ भाई, सीधी सी बात है। कोई भी किसी प्रकार का टॉपिक अपन डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण आपको साथियों जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा साथियों गड़बड़ हो सकती है, सीधी सी बात है। यस या नो अगर अपन बात करें, ठीक है, देखो IASL किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, ये साथियों क्या करना है आपको आंसर देना है। देखो IASL की साथियों अगर अपन बात करें, IASL साथियों पहली चीज तो देखो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। IASL अगर अपन बात करें, देखो आई का साथियों पूरा नाम हो जाता है इंटरनेशनल, है ना, आई का पूरा नाम इंटरनेशनल, ए का साथियों एसोसिएशन, है ना, कोर, है ना, कोर, एस का साथियों स्कूल अगर अपन बात करें, और एल का साथियों लाइब्रेरी। तो IASL साथियों अगर अपन बात करें जो कार्य करेगा वो किसके लिए कार्य करता है, स्कूल लाइब्रेरी के लिए कार्य करता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना, राइट आंसर जो होगा अगर अपन बात करें वो साथियों अगर अपन बात करें डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या बात है, मतलब सबके सबने लाइन लगा दी, मतलब असल आपने जो है ना पहले वाली जो क्वेश्चन सीरीज आपने चला रखी है उस क्वेश्चन सीरीज को आपने छोड़ा नहीं है एक भी भाई। यस या नो बताओ भाई, जितने क्वेश्चन सीरीज हो चुकी है चाहे से KVS की हो चुकी है, बिहार लाइब्रेरी की हो चुकी है, सबने अटेंड कर रखी है, इसका मतलब है ना इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्कूल लाइब्रेरीज की अगर अपन बात करें, बिल्कुल भैया इसका इसकी स्थापना साथियों अगर अपन बात करें कब होती है साथियों आपसे पूछा जाए, आप बोलोगे इसकी स्थापना अगस्त 1972 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है साथियों, जमैका में क्या होती है इसकी स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर जो है वर्तमान में जो है आपको देखने को मिलेगा जमैका में, आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर अपन बात करें, है ना, अपना काम शुरू किया था 1971 में, 52 कंट्रीज इसके मेंबर्स है इसका, भारत भी इसका पुस्तकालय है जो है, मोहित कुमार यहाँ पर बता रहा भैया। देखो अपन बात करें 50 से अधिक इसके क्या है वर्तमान समय में इसके मेंबर्स, इसके देश इसके जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। IASL अगर अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर साथियों जितने भी स्कूल्स हो जाती है विद्यालय पुस्तकालय हो जाते हैं उनका संघ के रूप में क्या करता है कार्य करता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ILA जो है ना अगर अपन बात करें तो ILA जो हो जाता है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कार्य करता है, ठीक है। इफ्ला साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है एक संघों के रूप में, ALA USA में कार्य करता है पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। उसी प्रकार साथियों IASL जो है ना स्कूल लाइब्रेरीज के लिए कार्य करता है, आपके विद्यालय पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, इस चीज का आपको साथियों ध्यान रखना है जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भारत वर्तमान समय में क्या है भैया सदस्य आपको देखने के लिए मिल जाता है ना, बिल्कुल। आपका 1971 में क्या होता है इसका कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन होता है जिसे अपन कह सकते हैं WCOTP होता है, जो कि बाद में इसमें निर्णय लिया गया कि भैया इसकी स्थापना की जाए, और अगस्त 1972 में इसकी क्या होती है स्थापना होती है भैया, है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भैया बहुत शानदार बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्ट वाइज वाला क्वेश्चन है। देखो आज की क्लास में साथियों लगभग जो है ना पूरे के पूरे साथियों क्वेश्चन जो है आपके इजी वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं अगर अपन बात करें, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, DDC के 20वें संस्करण में निम्न में से किस टेबल का प्रयोग किया गया, इसकी स्थापना या थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है, माफी चाहते हैं भैया, इसकी स्थापना 1971 है भैया, है ना, छोटा सा करेक्शन है, बिल्कुल जो है ना 1971 ही है इसका, अगस्त 1971 में क्या होती है इसकी स्थापना होती है। आपका राइट आंसर सभी का भैया एक, है ना सर, मैंने 1971 ही है, ठीक है भाई। अब देखो भाई DDC के 20वें संस्करण में निम्न में से किस टेबल को हटाया गया है, आंसर दीजिए भाई जल्दी से,
डीडीसी की अगर अपन बात करें 20वें संस्करण में निम्न में से किस टेबल को उठाया जाता है। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं, जैसे साथियों डीडीसी की अगर अपन बात करें तो 19th जो एडिशन आता है, साथ ही 19वां संस्करण आता है, इसमें साथियों आपके जो टेबल्स की संख्या हो जाती है, इसमें साथियों आपको 7 टेबल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। कितने टेबल्स मिल जाती है साथियों? आपको 7 टेबल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथियों जब 20वां संस्करण आता है डीडीसी का, कौन सा आता है साथियों? 20वां संस्करण आता है, तो इसमें टेबल की जो संख्या हो जाती है टोटल, वह साथियों इसमें 6 टेबल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। मतलब एक टेबल को क्या कर दिया भैया? उठा दिया। कौन सी टेबल को उठाया जाता है साथियों? अगर अपन बात करें, वह आपकी पर्सन टेबल हो जाती है। इसको साथियों क्या कर दिया? उठा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाता है। और डीडीसी में साथियों जो टेबल्स बच जाती है वो कितनी? 6 टेबल्स आपकी देखने के लिए मिल जाती है। कितनी टेबल्स आपकी बच गई? 6 टेबल्स आपकी बच जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वह आपके डी ऑप्शन सही हो जाता है। स्टैंडर्ड सब डिविजन टेबल नंबर 1 हो जाती है। अगर अपन बात करें लैंग्वेज साथियों, टेबल नंबर आपको इसमें 6 देखने की मिल जाती है। किसमें? एडीडीसी के 19th एडिशन के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगर अपन बात की सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल नंबर 4 हो जाती है। और इस पर्सन को टेबल नंबर को 5 को सॉरी टेबल नंबर जो पर्सन हो जाती है इसको उठा दिया जाता है, तो टेबल 6 बच जाती है कुल अगर अपन बात करें, है ना। अगर अपन बात करें, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है सबका, लगभग का 1979 मनीषा कुमारी जो डीडीसी की अगर अपन बात करें, 19th एडिशन आता है 19वां, ये तो आता है 1979 में आता है। 20वां संस्करण जो आपको देखने के लिए मिलता है 1989 में, 1989 में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सहायक सारणियां के संबंध में निम्न में से असत्य है। देखो सहायक सारणियों की अगर अपन बात करें, सहायक सारणियां किसे कहते हैं? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो 7 टेबल्स हो जाती है, जो 7 टेबल्स हो जाती है, इन 7 टेबल्स की अगर अपन बात करें, इन्हें 7 सहायक सारणियां कहते हैं। और इन्हें साथियों 7 सहायक सारणी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें अपन दोस्तों ऑक्सिलरी टेबल्स भी अपन कहते हैं। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है? इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। 7 टेबल्स को ही अपन क्या कहते हैं? 7 सहायक सारणियां भी कहते हैं। आंसर देना स्टार्ट करो भैया, है ना। और साथ के साथ में क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की, उन तक भैया सभी तक क्लास का पहुंचा दीजिए। सर ऐसा क्वेश्चन समझ में कौन नहीं आवे? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको। देखो इन सारणियों के बिना मुख्य वर्ग का उपयोग संभव नहीं है। जो 7 टेबल्स होती है ना, इन 7 टेबल्स का प्रयोग अपन अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, इनका प्रयोग किया जाएगा मेन क्लास के साथ, ठीक है। क्लियर है नहीं? ये सभी 7 सहायक सारणियां जब भी मार्केट में निकलेगी घूमने के लिए, तो भैया किसकी आवश्यकता है अगर अपन बात करें? मुख्य वर्ग की, मेन क्लास की। बिल्कुल सत्यता कह रहा है भैया। उपयुक्त सहायक सारणियों को अपन ऑक्सिलरी टेबल्स कहलाती है। बिल्कुल भैया, ये सहायक सारणियां मुख्य वर्ग है, तो भैया यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाता है। ये भैया असत्य है, 7 सहायक सारणियां मुख्य वर्ग नहीं है, ये मेन क्लास नहीं है साथियों, यह अपने आप में टेबल्स हो जाती है, ऑक्सिलरी टेबल्स है। अगर अपन बात करें आपके मुख्य वर्गों के साथ सहायक रूप के रूप में क्या होती है? प्रयोग हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं इनकी साथियों जो है, इनको आड़ी रेखा के माध्यम से अपन क्या करते हैं? पहचानते हैं। हाइपन मतलब जब भी साथियों प्रयोग होती है, जब आप इनको देखोगे, जो कि डीडीसी का 19th एडिशन जो हो जाता है उसके अनुसार अपन बात करें, डीडीसी के 19th एडिशन के अनुसार अपन बात कर रहे हैं, इसमें जो वॉल्यूम फर्स्ट हो जाता है, इस वॉल्यूम फर्स्ट में साथियों आपके ये दी गई है। इस वॉल्यूम फर्स्ट के साथियों अगर अपन बात करें, इसमें जो है किसका प्रयोग किया गया? आड़ी रेखा का प्रयोग किया गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यस यो क्लियर है भाई, याद रह जाएगा। तो वॉल्यूम फर्स्ट में जो है आपके 7 सहायक सारणियां दी गई है। 7 सहायक सारणियों को अपन ऑक्सिलरी टेबल्स कहते हैं। इनको पहचाना और किसके माध्यम से? आड़ी रेखा के माध्यम से, मीन्स हाइपन के माध्यम से अपन इनको पहचानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके? सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? करेक्ट आंसर हो जाता है, है ना। क्लियर है भैया, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन क्या करते हैं? बढ़ते हैं भाई,
ठीक है सर क्लास में, बताओ भाई क्या है ना, देखो भाई, ठीक है भाई राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं भैया, आज के क्वेश्चंस क्या हो गए भैया लाइव सेशन में अपन ने कंप्लीट अपन ने कर लिए हैं। आई होप साथियों आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस की अपन ने बात की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं अगर अपन बात की। इसके साथ साथ साथियों राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की अगर अपन बात की, एप्लीकेशन पर साथियों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, इसकी फीस रहेगी 249 आपको देखने को मिल जाती है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, टोटल स्टडी मटेरियल आपको यहां पर साथियों देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर अपन बात करें डाउनलोड एसएलसी क्लास एप्लीकेशन गूगल जो है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे रखा। अब अपन बात करते हैं साथियों बुक की, अपन बात करें जो बार बार बीच में साथियों मेन मुद्दा जो चर्चा का आ रहा था ना आज की क्लास में, बुक का आ रहा था भैया, तो बुक के साथियों अपन क्या करते हैं चर्चा अपन करते हैं। सर मैं तो लास्ट में आई हूँ, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप रिकॉर्ड क्लास को आप जाकर आराम से देख सकते हो। दो बुक साथियों आपके लिए क्लास नोट्स की बुक आई है अगर अपन बात करें, ठीक है, एक वॉल्यूम फर्स्ट आई है और एक वॉल्यूम सेकंड आई है। वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड की अगर अपन बात करें दोनों साथियों क्या है हैंड रिटन नोट्स है, दोनों क्या है भैया हैंड रिटन नोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर अपन बात करें बिल्कुल साथियों, ठीक है। जिसको आप साथियों क्या कर सकते हो भाई अगर अपन बात करें बिल्कुल आराम से साथियों आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको बुक है यहाँ पर तो मैं आपको क्या करता हूँ भैया इसको चर्चा भी आपके सामने इसकी करता हूँ भाई, देखो भाई है ना, इस प्रकार के साथियों क्या हो जाते हैं क्लास नोट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये साथियों क्लास नोट्स का मैंने आपके सामने क्या कर दिया भैया दिखा दिया, आपको थोड़ा सा कमजोर दिख रहा होगा। सर क्वेश्चंस भी है क्या इस बुक में, देखो क्वेश्चंस नहीं है मनीषा शर्मा, ये पूरे हैंड रिटन नोट्स है और सुंदर राइटिंग में आपके सामने हाजिर है भाई। अगर अपन बात करें दिख रहा है सभी को, ठीक है, ये तो थोड़ा सा बहुत धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि मतलब कैमरे में थोड़ी सी ब्राइटनेस भी आ रही है, इस वजह से आपको बहुत मतलब सुंदर राइटिंग में जो है ना आपको बुक के रूप में मिलेगा। जिसको भाई टाइम नहीं है, समय का अभाव है और बिल्कुल जो स्मार्ट स्टडी करना चाहता ना उनके लिए भैया हमने क्या करवा दी अवेलेबल करवा दिए, दो बुक है साथियों, ठीक है। कई तो जो है ना मतलब सोशल मीडिया पे जो हो गए यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर डेली डेली कमेंट करते हैं सर आपने भी दुकान खोल ली और की तरह, भाई दो बुक है ना, दो बुक की अगर अपन बात करें लगभग जो है 90 रुपए के आसपास इसमें कोरियर चार्जेस लगता है, 549 रुपए आपके दो बुक का चार्जेस कर रखा है, बच गया 460 रुपए। 460 रुपए में साथियों आपको घर तक बुक पहुंचा रहे हैं, सीधी सी बात है ना, मतलब ये 549 कर ले। एसएलसी क्लासेस का साथियों मैंने एक वादा किया था और इस वादे पर मैं खरा भी उतरा हूँ कि भैया बुक जो है ना पहली बुक जो आएगी वो बहुत नॉमिनल चार्ज पर आएगी और हमने दोनों बुक जो है ना आपको 549 में घर तक पहुंचाने का वादा किया और पहुंचाते भी, आप चाहे से किसी भी स्टेट से हो कहीं से भी हो आपको बिल्कुल वहां तक आपको पहुंचाएंगे। ये दोनों साथियों हैंड रिटन नोट्स अगर अपन बात करें, ठीक है। और इसकी अगर साथियों अपन बात करते हैं जो कि आपको क्या मिलेगा साथियों, ये जो है इसमें कोई भी सर हिंदी में है क्या, नहीं हिंदी में नहीं है भाई है ना, ये सॉरी इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है प्योर हिंदी में, प्योर हिंदी में भी नहीं है, आप आराम से साथियों इसको जो है इस प्रकार से दिखा देता हूँ भैया आप लोगों को है ना, लो भैया है ना इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर तो बहुत ज्यादा साथियों क्या हो रहा है जूम कर रहा हूँ ना तो इस वजह से आपको देखने के लिए मिल रहा है भाई, तो आप आराम से साथ इस बुक को मंगवा सकते हो भाई, ठीक है। सर पांच, हाँ बिल्कुल टोटल सिलेबस हो जाता है इन दोनों बुक्स में, आपको टोटल मिलेगा अगर अपन बात करें, ठीक है। और ये ना तो सोशल मीडिया पर हमने डाली है साथियों, ना ही फ्लिपकार्ट पर इसको अवेलेबल करवाया, ना ही अमेजोन पर करवाया, आप दिन भर यही मैसेज आता रहता है ना जो है कि सर इसको अमेजोन पर डाल दो फ्लिपकार्ट पर डाल दो। देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट डाल पर डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें है ना कि वहां पर डाले या फ्लिपकार्ट पर डाले, कि आपने इतना साथियों इस बुक को प्यार दिया है जो है तो यहीं से साथियों जो है ना इसको हमने कोरियर करवा के पूरा स्टॉक हमने खत्म कर दिया, सीधी सी बात है। मतलब बहुत तहे दिल से साथियों आपका हार्दिक जो है आभार प्रकट करता हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, पहली बार साथियों इतना आपने प्यार दिखाया बुक के रूप में अगर अपन बात की, मतलब इतना साथियों जो है ना मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई इतने बुक्स निकल जाएगी, लगभग 5000 बुक्स पब्लिश करवाई थी और लगभग साथियों जो है ना स्टॉक लगभग 700
700 या 1200 या 1300 बुक्स और बची हुई है, लगभग लगभग साथ में पूरी निकल गई है, ठीक है। तो ये बुक आप मंगवा सकते हो, दोनों बुक्स आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। और ये जो सामने इधर जो बुक दिखाई दे रही है ना साथियों आपको, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना भेजो भाई, है ना। ये बुक्स तैयार हो रही है, ये बुक्स दोनों तैयार हो रही है और बहुत शानदार तरीके से तैयार हो रही है भाई, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हम, है ना। ओल्ड पेपर भी जो है ना, मतलब सीधे सीधे नहीं देंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ आपको आपको मजा आने वाला है। ओल्ड पेपर को पहली बार लाइब्रेरी साइंस में ऐसा पहली बार आएगा, ठीक है। सर क्वेश्चंस वाली बुक लाओ, बिल्कुल मनीषा शर्मा क्वेश्चंस वाली बुक भी लेकर आएंगे। अगर अपन बात करें, ये भी आपको बुक मिलेगी सर, मार्केट में नहीं मिलेगी, मार्केट में देखो महावीर अवेलेबल करवाने की मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आप ऑर्डर कर दो, यहाँ से आपको बुक पहुंचा देंगे भाई। देखो मार्केट, देखो दो चीज, अब आपको जो बार बार ये नाम ले रहे हो ना सर, मार्केट में ये बुक्स क्यों नहीं आ रही है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर क्यों नहीं आ रही है, देखो है ना। पहली चीज तो साथियों, बुक जो है ना इनकी कॉस्टिंग जो है ना बहुत कम रखी है। अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर हम रखते हैं तो इन बुक्स की दोनों की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, लगभग 650 के आसपास आती है, ठीक है। हमने आपसे वादा किया था कि भैया हम कम से कम जो शुरू में रखा था ना वही, अब इसके रेट हम बढ़ा देते तो आप बोलते सर अब जो है ना आपने स्टार्ट कर दिया फिर, ठीक है, है ना। दूसरा, अगर बुक स्टोर पर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो फिर साथियों जो है ना वही होगा, बुक वाले बोलते हैं सर जो है ना आपने इस पर जो है ना मूल्य बहुत कम लिखवाया है, है ना, बहुत कम लिखवाया हमने, तो वो कारण साथियों हो जाता है। वो बोलते हैं सर आप जो है ना इसको थोड़ा सा हमें और इस पर जो है ना वो दो डिस्काउंट दो, तो वो डिस्काउंट भैया हम उनको दे दिया तो वो जो है ना लगभग इसको 600 के या 550 के आसपास या 700 के आसपास वहां तक पहुंचा देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। तो इस वजह से वो बुक आपके मार्केट में नहीं आ रही है, ठीक है, बाकी की आप साथ में समझ सकते हो, और कोई कारण नहीं है ना भाई। हमें जो है ना बुक्स भाई फ्लिपकार्ट पर, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर डालने में क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। और मार्केट में भाई बुक स्टोर वाले को देखकर जाके पकड़ा के आ जाएंगे, बुक स्टोर वाले डेली कॉल आ रहे हैं, लेकिन भाई वही चीज है, वो आपसे 100-150 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 150 रुपए, तो क्यों ले भाई, बताओ भाई। इस वजह से साथियों, बाकी का साथियों अगर अपन बात करें, मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। सर हम समझ गए हैं, बहुत कर रहे हैं हमारे लिए मोहित, क्या इंग्लिश में नहीं है भाई। सर एक बात पूछे सर, आप कहाँ से हो, हमें अभी तक नहीं पता चला है। गोल्डी गुप्ता, हम जयपुर से ही हैं भैया, राजस्थान जयपुर से हैं, और राजस्थान जयपुर से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट है। दो स्टूडियो हमने बना रखे हैं आपकी, एक दो दिन में हमको आपको स्टूडियो का टूर भी करवा देंगे, और दोनों स्टूडियो जयपुर से ही हैं। डेली आपकी साथियों जो है ना रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, लाइव क्लासेज सभी दोनों स्टूडियो से आते हैं। मेन स्टूडियो जो है मैं आता हूँ साथियों, अलग स्टूडियो, बाकी वाले सर जो आते हैं वो अलग है, अगर अपन बात करें, ठीक है। सर नेट का तैयारी कब तक है ना, देखो नेट का जो है ना अगर अपन बात करें, आपको जल्दी की देखने के लिए मिलेगा। अभी महेश सर तो आपके लिए लेकर आ रही हैं, और इस संडे को हो सकता है तो पूरी यूजीसी की नेट की टीम के साथ में आपके सामने उतरने वाला हूं, जो कि सबके सब पीएचडी धारक है, है ना। जो आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना सर, तो भैया सबके सब आपके लिए पीएचडी धारक है, जिनकी पीएचडी चल रही है, जिनकी सभी की पीएचडी चल रही है, सभी का नेट जरा क्लियर है, उनके साथ उतरने वाला हूं, और आपको बैच भी उस दिन आपको अनाउंसमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सर अभी लाइब्रेरी साइंस वाले टीचर्स राजस्थान से है क्या, गोल्डी गुप्ता भैया सभी है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुक जा यार रुक, एक बोल रहा है सर इंग्लिश, ठीक है भाई, इंग्लिश में बुक नहीं है नवनीत, ये हिंदी में आपको बुक देखने के लिए मिलेगी। तो आज के लाइव सेशन को अपन क्या करते हैं, यहीं पर अपन समाप्त करते हैं, और मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। तब तक ले सभी को जय हिंद जय भारत, सभी को गुड नाइट, और भैया रेगुलर स्टडी आप करते रहिए।